पुलिस ऑर्गेनाइज करवा रही है, ऐसी कुछ बात सुनी मैंने, वहाँ देखे सब बताते हैं कैसी रिपोर्ट्स हैं वहाँ पर। ओए ओ भाई 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 भाई, आज आपको हमारे चैनल पे ना दो नए ब्लॉगर, तीन नए ब्लॉगर देखने को मिलेंगे। नाम से पहचाने जा रहा हूँ सीधा पहाड़ से। ये क्या करे स्कॉर्पियो वाला, मुझे ना ग्लव्स वगैरह लेके आना चाहिए था यार। सुबह के 12 और अभी हम जा रहे हैं काम पे। काम क्या कह सकते हैं, रजौरी में पहली बार ना एक इवेंट हो रहा है। इवेंट आज से पहले ना रजौरी में बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो भाई वहाँ पे जा रहे हैं अपनी जिम की, मतलब काफी सारे लोग हैं वहाँ पे, पूरे रजौरी के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ जाते हैं। फोन भी मेरे को आ रहा है, बोल रहा भाई अब खत्म हो जाएगा तब आएगा क्या, तो उससे पहले टाइम काफी ज्यादा हो गया, 12 बजने वाले हैं, तो अभी चलते हैं सीधे यहाँ से। पुलिस लाइन पे हो रहा है फंक्शन, पहले जाएंगे पुलिस लाइन, वहाँ देखते हैं जो भी हिसाब है, वहाँ पे व्लॉग बनाते हैं एंड आपको दिखाते हैं। ठीक है भाई, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कहाँ पे, पुलिस लाइन, तो मिलते हैं आपको सीधा वहाँ पे। क्रिटाइन भी लेना है एंड यही चाबी, और क्या लेना है भैया ने, एक चीज और बोल थी मेरे को, बस यही था। ठीक है जा रहा हूँ। तो गाइस हमने अपनी स्कूटी बाहर लगा दिया, तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा, हमें बड़े सा व्लॉग बनाने और आपको इवेंट दिखाने जो रजौरी में पहली बार हो रहा है ऑफिशियल, क्योंकि पुलिस ऑर्गेनाइज करवा रही है, ऐसी कुछ बात सुनी है मैंने, वहाँ देखे सब बताते हैं कि कैसी रिपोर्ट्स हैं वहाँ पर। तो हो सकता है मोटर व्लॉग करने भी जाएं, जो भी होगा आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। तो जी अभी मैं आधे रास्ते से वापस आई, क्योंकि मुझे अपना मोटर व्लॉगिंग सेटअप चाहिए था, इसके बाद मैंने एक मोटर व्लॉग बनाने भी जाना है। मेरे को आधे रास्ते जाके याद आया कि भाई मैंने मोटर व्लॉग बनाना है, तो फिर वहाँ से मैं वापस आया सेटअप लेने। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अभी ये देखिए यहाँ पर रख लिया मैंने, और सच बताओ इतनी मुश्किल से इसको मैंने बचा के रखा है, बार बार एक गोप्रो बाहर निकल रहा है यार। ये देखो भाई जिनका कंपटीशन की हालत देखो, क्या लेने गया था वाक्य, यहाँ तेरे सब्जियां तो नहीं बनाने के लिए रखा हुआ, बाइक कहाँ लगाया हुआ तूने, तो मैं रुक एक मिनट स्कूटी लो साइड करके आया, एक मिनट रुक। स्टार्ट हो गया अंदर सर, कब स्टार्ट हुआ, हो गया है 4 बार लिफ्ट हो गया, टोटल कितनी लिफ्ट है। तो गाइस अभी वहाँ पे पूरा कंपटीशन चल रहा है, तो इतना टाइम नहीं अगर वहाँ, क्योंकि वो बहुत लंबा चलेगा, तो इतनी देर में जा रहा हूँ राइड करने, एक दो ब्लॉग और बना के ले आऊँ। बाकी यार यहाँ से मेरे को ना पूरी अपने वो पुराने स्कूल की यादें होते हैं वो आ गई हैं यार, वो सामने कैंटीन वगैरह है एंड हम आते थे परेड वगैरह कर रहे हैं यार, क्या दिन थे यार वो। व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। तो कैसे हो सब लोग, आई होप सब लोग बहुत बड़े होंगे, एंड आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कुछ ऐसी जगह से, एंड अभी हम जा रहे हैं यहाँ से एक बढ़िया सा व्लॉग बनाने। इस जगह को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन, पुलिस मेरे को बाहर निकलने से भी रोक देगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, चलते एक बड़े सा व्लॉग बनाने का। स्कूटी लगाई थी उसका ना चलान आ गया कि रॉन्ग पार्किंग वगैरह हुई है यार, ई चलान का आजकल बड़ा चक्कर पड़ा हुआ है यार यहाँ पर। तो अभी अपने साथ और भी कुछ बंदे जाएंगे व्लॉग बनाने, जो आपको जो मेरा ना लास्ट 10-15 मिनट से वेट ही कर रहे हैं, तो यार किसी को वेट कराना बिल्कुल अच्छी आदत नहीं होती। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके पास, नीचे कंपटीशन शाम तक चल रहा है, जो आपने लास्ट व्लॉग में शायद सब देख लिया होगा। भाई दीदी क्या कर रहे हो, एक में आप देख सकते हो भाई फ्यूल भी कम है, मेरे को फ्यूलिंग भी करानी पड़ेगी इसमें, वो सब आगे जाके कराऊंगा, बस पेट्रोल पंप तक पहुँच जाए, ये दिक्कत ना हो पेट्रोल पंप तक। साहब एक तो ये छोटी सी मार्केट है जवाना करके, यहाँ पे तेज चलाने में ना डर लगता है ना उनको, मेरे को उनके 3-4 कॉल आ गए भाई आजा आप, उनको भी मैंने खजली करके रखा हुआ एक टाइप से देखा जाए तो। भाई साइड भाई, तो अभी हम पहुंच चुके हैं भाई खांडली में, एंड वहाँ पीछे रोड में अभी इतना ज्यादा ट्रैफिक था ना, एक तो आप जितना लेट हो रहे हो आपको उतना ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है वहां से। फिर मैंने आप कैमरा ऑन नहीं किया वहां से, मैंने पहले बाइक निकालने पर फोकस किया, तो जाते हैं यहाँ से पेट्रोल पंप वगैरह पीछे रह गया यार, मेरे को फ्यूल डलाने की याद भी नहीं रही है, अब आगे जो पेट्रोल पंप है बस वहाँ तक मेरा बाइक बंद ना हो जाए यार, क्योंकि पेट्रोल सीरियसली बहुत कम है बाइक पे यार। अंकल रुको भाई, क्या यार बिना देखे रोड पे जंप कर रहा है बंदा, ओए ओ भाई 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 भाई, ये क्या है भाई साहब। बंदा देखो बीच से गाड़ी मोड़ रहा है बिल्कुल बीच से, पर अपने थे। ओ भाई क्या किया इसने, ये बिल्कुल मुंह पे आ गया था यार मेरे ऊपर से, साथ में पुलिस खड़ी बिल्कुल। आंटी 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 यार शाबाश आंटी ने, देखा आंटी को ज्यादा जल्दी थी, आंटी दौड़ती हुई गई है बट रुकी नहीं है आंटी। आज अपने साथ दो और बंदे जा रहे हैं जो आपने आज से पहले हमारे साथ राइड में कभी नहीं देखे होंगे, व्लॉग में आपने शायद देखा होगा बट राइड में इससे पहले कभी नहीं देखे हैं वो। रास्ते में कितनी बार मौत को छू के वापस आए, मैं पता है मौत को छू के, क्या हाल है आपके फैजान भाई, क्या हाल है, मेरे बिना प्लान हुआ था है
अगर मैं शोएब को कॉल नहीं करता मैं तो रहता वहाँ पुलिस में बैठा हुआ। नाम से पहचाने जा रहा हूँ सीधा पहाड़ से। क्या हाल है मिजू जी आपके? हाँ जी। ओए होए होए होए, न्यू मोटो व्लॉगर इन द टाउन, इसको अंदर रखना। ये कट कर देना आप। नहीं ये से ज़ूम करूंगा, स्लो करूंगा इसको। भाई आपकी क्या हाल है? हैं शोएब भाई, एक रैप कर रहा है, हम ऊपर के वो करेंगे, रैप करेंगे, ठीक है। पहाड़ी व्लॉगर, पहाड़ी रैपर, एक ही फ्रेम पे देखने को मिल रहे हैं, टोटली पहाड़ रिप्रेजेंट हो रहा है। आज आपको हमारे चैनल पे ना दो नए व्लॉगर, तीन नए व्लॉगर देखने को मिलेंगे। पहले आगे भाई एसआर बीट्स, भाई कैसे हो आप? बढ़िया। ये आगे फैजान भाई, आपके चैनल, ओहो हो नाम के, अच्छा आगे तक सोच लेना ना, ताकि लिंक शिक दे दें। बाकी यार अपने पहाड़ी व्लॉगर, मैं ही पुराना रह गया जिंदगी में बस। नहीं पहले ना हिमालय लेनी थी, पता है इसकी बुकिंग बड़ी थी यार, सीट वगैरह चेंज कराई है, ये स्टॉक है, कुछ नहीं क्या बड़ी यार। ओ तर में क्या हाल है, ठीक हो? तो भाई अभी यहाँ से सारे निकल चुके हैं, कम से कम पांच बाइक आज हमारे साथ, आप देख सकते हो। मुझे लगा था सिर्फ दो तीन बाइक होंगे, बट पांच बाइक है भाई। आप राइड पे काफी ज्यादा जो है मजा आने वाला है। चलो तो अभी जा रहे हैं यहाँ से भाई, राइड कर रहे हैं, मुझे अभी इसमें पेट्रोल वगैरह भी डलाना है, तो वहां पर जाते हैं, देखते हैं क्या सीन्स रहते हैं। पाँच छह बाइक है मेरे को, बस जा रहा है कहीं मेरा पेट्रोल, मुझे बस जा रहा है कहीं मेरा पेट्रोल जो है वो खत्म ना हो जाए। बिल्कुल के पेट्रोल नहीं है बाइक में, ये देख सकते हो एक पॉइंट है वो भी ब्लिंक करता जा रहा है, जो भाई रिस्क है इस चीज़ में। आगे पेट्रोल पंप है वहाँ से जाते हैं पेट्रोल वगैरह, एंड फिर थोड़ी तसल्ली बढ़ेगी बाइकों की, हाँ भाई अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक तो यार ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ कंस्ट्रक्शन का, मैं कितने सालों से यहाँ ऐसे आ रहा हूँ और देख रहा हूँ ऐसे का ऐसे ही है, इतनी बेस्ट कंडीशन में रोड है, बट बस ये जो बीच के पैच है ना यहाँ पे रिस्क रहता है, ये पैच ही बस खराब है पूरे रास्ते का। ओह भाई बंदा हिमालय नहीं बड़ा तेज ला रहा है यार पेट्रोल, वो देख रहा लीन देख रहा बंदे का आगे, खतरनाक यार खतरनाक। हिमालय मैंने आज से पहले कभी चलाए नहीं है, हो सकता है उस पर कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता होगा, काफ़ी अच्छा बाइक है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है ना बाइक की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अपने साथ साथ 220 भी आ गई है। ये देखो सीधी रोड में बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया, वो बंदा साइड से निकाल गया, हिमालय रख के भी साइड से निकाला इस बंदे ने यार, इसको तो जंप करानी चाहिए बाइक ऊपर से। पेट्रोल पंप कहाँ गया भाई? अच्छा वो आ गया, मैंने सोचा पेट्रोल पंप पीछे रह गया शायद। Here we are at पेट्रोल पंप, यहाँ से डलाते हैं पेट्रोल। यार इतना पेट्रोल डला है, सिर्फ दो साल आए इस बाइक में, यार उसकी टंकी इतनी बड़ी है ना यार, हर चीज में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। नाम से पहचाने जा रहा हूँ सीधा पहाड़ से, क्या हाल है? बाकी सारे आगे चले गए यार, हम दो गरीब पीछे रह गए हैं, निकल गया तो बुलेट लेके गया उड्डा हुआ, टक से वापस आ जाते हैं हम। आज की राइड का जो लाइन अप है भाई बहुत प्यारा है, और ये ट्रैक्टर बिल्कुल बीच में खड़ा है यार, बिल्कुल बीच में खड़ा है ना, आगे कर रहा ना पीछे कर रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है यार ये, कि इतनी मक्खन रोड इतनी सही रोड आने वाली है ना। ये देखो भाई, ओए यार यहाँ पास ना स्पीड ब्रेकर अचानक से आ जाते हैं, उनका डर है, लेकिन इतनी मक्खन रोड है यार, इतनी साफ रोड है ना, इस साइड हम जब भी राइड करने आए मजा ही आया बस। देखा भाई एक स्पीड ब्रेकर आया था अभी, पूरी हेलमेट हिल गई मेरी भाई। लीड्स देखो आप, लीड्स देखो, ओ भाई साहब ये रोड होती है ना मक्खन रोड, साथ में इतनी बढ़िया सी सीनरी हमें देखने को मिल रही है, इससे ऊपर हमें और क्या ही चाहिए बताओ आप लोग। ओ भाई वाह कसम मजेदार यार, अभी जो हिमालयन वाला बंदा था वो काफी आगे चला गया, वो तो बहुत सही चला रहा भाई यार, अपने साथ के बाकी बंदे पीछे रह गए थे तो मैं तभी यहाँ रुक गया था थोड़ा, तो बाकी अभी हम पहुंच गए हैं भाई पलमा सिटी में। ये देख सकते हो ये प्रॉपर पलमा में अभी हम, इसका बुलेट इतना लाउड है यार, ओ भाई इतना ज्यादा हवा उसकी ना मुंह पे आके ऐसे थप्पड़ की तरह बज रही है बार बार। अभी राइड में जितने भी बंदे हैं ना भाई सारे के सारे व्लॉगर हैं। वाह भाई वाह, ऊपर आना इसने पता नहीं, ये क्या करे स्कॉर्पियो वाला हमारे साथ लगाया एक छोटी सी रेस। ये देखो रोड में ये छोटा सा रेत पड़ा और यहाँ पे इतना गंदा स्लिप होता है बंदा यार, थैंक गॉड मैंने पहले देख ली ये रोड, यहाँ अंदर पता नहीं कौन सी रोड है यार, यहाँ अंदर में कभी गया नहीं, कभी जाएंगे यहाँ अंदर भी यार, या आप में से अगर किसी को पता नहीं ये रास्ता कहाँ जाता है या ये जगह देखने वाली है या नहीं, मुझे कमेंट करके पक्का बता देना ठीक है। पहुंच गया भाई ऐसी जगह पे, यहाँ पे इतने सारे पेड़ है ना, और ठंड का भाई क्या बताऊँ कोई हिसाब ही नहीं है, मुझे उन्होंने कहा था कि सिर्फ पलमा तक ही राइड करने जाएंगे, और ये देखो ऊपर हम आ गए हैं, और मुझे जिस सबसे सारे राइड कर रहे हैं ना ये सारे काफी दूर जाने वाले, मेरे को ऐसा लग रहा है। मुझे ना ग्लव्स वगैरह लेके आना चाहिए था यार,